नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए ग्वालियर और चंबल संभाग के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 बजे से ही खुलेंगे। राज्य सरकार ने कड़ाके की सर्दी को देखते हुए इसकी समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग को छोड़कर बाकी जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव का अधिकार एक बार फिर जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया है। इसलिए बाकी जिलों में 21 जनवरी से स्कूल कितने बजे खुलेंगे, यह निर्णय जिला कलेक्टर ही लेंगे और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने भी सभी कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा है कि 8 जनवरी 2024 को शीतलहर और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 20 जनवरी तक के लिए स्कूलों के समय में बदलाव के संबंध में आदेश जारी किए गए थे और राज्य सरकार ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए शीतलहर और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 31 जनवरी तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालन के संबंध में निर्णय लिया है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 11 बजे से ही संचालित किए जाएंगे, जबकि बाकी जिलों के संबंधित कलेक्टर मौसम को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन का निर्णय ले सकेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन समय सारणी अनुसार ही होगा। गौरतलब है कि पूर्व में जारी आदेश में राज्य सरकार ने कलेक्टरों से स्कूलों के समय में बदलाव के अधिकार छीन लिए थे और कहा गया था कि स्कूलों के समय में बदलाव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रिंसिपल से चर्चा के बाद ही किए जाएंगे।